वहीं कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। बता दें हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। बता दें कोर्ट कर्नाटक कोर्ट में उडुपी के लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। छात्राओं ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगा के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं बता दें कि इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जीएम खाजी के बेंच का गठन किया गया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी चाहिए क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। तो एक तरफ जहां हिजाब विवाद की बात की जाए तो कुछ समय पहले एक बवाल सा छिड़ गया था और ऐसे में आज हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जिसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अनिवार्य पहनावा नहीं है, हर छात्रा को हर छात्राओं को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना होगा। ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी जो है वो की गई है। स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत नहीं है, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी।